आप किसी भी मोबाइल में ये काम कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम अगर चार्जिंग का, अगर चार्जिंग पिन नहीं हो रही है या बढ़ा नहीं रही है या इसमें चार्जिंग पूरा जा नहीं रही है, किसी भी मोबाइल को, चाहे वीवो चाहिए, ओप्पो चाहिए, इन्फिनिक्स चाहिए, टिकनो चाहिए, लावा, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो। हाय दोस्तों, ये रेडमी का नोट 10 मोबाइल है, ये चार्ज नहीं हो रहा है। कस्टमर ने बोला है कि इसका चार्जर पूरा जा नहीं रहा है इसके अंदर और ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। एक दिन दो दिन होता था इधर उधर हिलाने पे, उसके बाद हो नहीं रहा है। देखिए पूरा चार्जिंग जा नहीं रही है। देखिए ये पूरा इतना जगह बनाया हुआ है, चाहे उल्टा लगा दीजिए चाहे सीधा, ये चार्ज नहीं है। और ये मोबाइल 77% चार्ज है, बोला कभी कल से चार्जर जा नहीं रहा है। हिलाने डुलाने पे एक दो बार पकड़ लेता है, काफ़ी बार बढ़ाता है, उसके बाद नहीं बढ़ाता है। अगर पकड़ता है तब भी नहीं बढ़ाता है इधर उधर करने पर। देखिए ये कंडीशन में अगर आपकी मोबाइल हो तो उसको बता रहे हैं ऐसे कर लीजिएगा, सही हो जाएगा ये मोबाइल है। नहीं तो आप मोबाइल की दुकान पे जाओगे तो दुकानदार से बोलोगे कहूत कि इसका चार्जिंग पिन वो चार्ज नहीं हो रहा है, तो दुकानदार डायरेक्ट बोलेगा कहूत है कि इसका चार्जिंग पिन चेंज होगा। दुकानदार ही बोलेगा कि इसका चार्जिंग पिन चेंज होगा, या दुकानदार ही बोलेगा कि इसका कहूत है कि पूरा चार्जिंग बोर्ड ही चेंज होगा। पूरा चार्जिंग बोर्ड आता है वो दूसरा लगेगा, तब जाके ये चार्ज होगा। ये दुकान पर दिखाया, किसी दुकान पर दिखाया गया था तो 500 रुपये मांग रहा था पूरा चार्जिंग बोर्ड का, और बोला और कोई चार्जिंग पिन लगाएंगे तो कहूत है 300 रुपये लेंगे, लेकिन बोला कि हम चार्जिंग पिन नहीं लगाएंगे, पूरा बोर्ड ही लगाएंगे। पूरा बोर्ड देख लीजिए, ऐसे पूरा बोर्ड आता है चार्जिंग पिन का। देखिए इसी टाइप का चार्जर है, इसका पूरा चार्जिंग बोर्ड ऐसे आता है, लेकिन इसको हम बिना खोले ही बताएंगे। काफ़ी कस्टमर ये बोलते हैं कि सेट खुलता ही नहीं है तो कैसे बनता है। ये कोई भी मोबाइल हो किसी भी कंपनी का, ये सब मोबाइल खुलती है। हम काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे मोबाइल खोली जाती है किसी भी कंपनी का, सबका अलग अलग सिस्टम रहता है, खोलने तरीका रहता है अलग अलग, कैसे खुलती है हर मोबाइल। लमसम काफ़ी वीडियो बनाए हैं, हमारा वीडियो देख लीजिए कैसे मोबाइल खुलता है। चलो इसको देखते हैं, देखिए बता दे रहे हैं इसमें कहूत है काफ़ी, देखिए काफ़ी मिट्टी आ गई है, देख लीजिए इसमें दिखा रहे हैं आपको, देखिए देख लीजिए इसमें काफ़ी मिट्टी आ गई है। यही कारण है चार्जर अंदर तक जा नहीं रहा है और चार्ज भी नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। ये मिट्टी कहाँ आती है, जब आप मोबाइल को अपने जेब में रखते हो तो आपकी मोबाइल का चार्जिंग पिन आपकी चार्ज, देखिए आपकी जेब में गर्दा रहती है, रुई रहता है, हल्का फुल्का ये निखर के इसमें चली जाती है, चार्जिंग पिन में लग जाता है, आप चार्जर लगा देते हो अंदर चली जाती है, तो उसके बाद कल्ले आप उसमें भरता रहता है गर्दा, तो किसी दिन ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं करेगा, तो आप परेशान हो जाओगे, दुकान पर भागोगे कि ये हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। दुकानदार ऐसा मौका पाएगा तो आपसे 500 रुपये 700 रुपये जैसे पाएगा वैसे ले लेगा। ये बता रहे हैं अपने आप ही कर लेना, नहीं तो किसी दुकान पे जाके बोल देना कि भैया ये इसका चार्जिंग पिन साफ़ कर दीजिए बस। अब देखिए बता रहे हैं कैसे साफ़ किया जाता है। एक रुई लीजिए आप, हल्का रुई, और एक चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप एक सुई ले लेना। देखिए सुई तो सबके पास रहती है, एक सुई, एक चिमटी, चिमटी ना हो तब भी चलेगा, रुई होना चाहिए, रुई और एक पेट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल लगाना है बस। जिसे इसमें देखिए पेट्रोल मंगा के रखे हुए हैं, काफ़ी मोबाइल में साफ करके लगा देते हैं, चलने लगती है। देखिए पेट्रोल को पूरा लगा लेना इसमें ऐसे गोला बना के, देखिए, और इसको गोला को वही चार्जिंग पिन में डालना है। सी टाइप चार्जर है, चाहे इधर से डालो चाहे उधर से डालो, किसी भी तरीके से इधर से या उधर से हल्का डाल दो, इधर उधर चाहिए। देखिए चार्जिंग पिन को ऐसे ऐसे करना है, इधर इधर ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, देखिए ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, हल्का करना है ताकि पेट्रोल अंदर तक लग जाए। देखिए आराम से ऐसे साफ किया जाता है, देखिए इसको हटाइए, देखिए कितना काला हो गया रुई, अब ये सफ़ेदी, अब देखिए पेट्रोल इसमें लग गया। अब एक सुई लीजिए आप, सुई को किनारे किनारे हटाइए, देखिए कितना गर्दा आ रही है, कितना मिट्टी, देखिए देखिए पूरा, देखिए देखिए यही रहता है कि आपके मोबाइल में गर्दा हो जाती है, मिट्टी आ जाती है, यही कारण आपका चार्जिंग पिन बेकार हो जाता है। आप ऐसे साफ कर लोगे सही हो जाएगा, दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा वीडियो देखते रहिएगा तो आपको छोटा मोटा चीज़ सिखाते रहेंगे, जानकारी मिली रहेगी आपको। नहीं यही अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो दुकान पे जाओगे दुकानदार यही करके दे देगा, 400-500 रुपये ले लेगा, देख लीजिए। और इसको अच्छे से साफ़ करना है, दो या तीन बार में अच्छे जो है क्लियर नज़र आने लगे। अब दोबारा आप रुई बना के इसमें पेट्रोल लगा के लगा लीजिए पेट्रोल, ताकि आपका चार्जिंग पिन अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए। देखिए अब दोबारा इसको ऐसे लगाते हैं, देखिए फिर इसमें डालेंगे,
एसी टाइप चार्जर है, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, ख़राब नहीं होता है। और हाँ एक बात और बता दे रहे हैं, जब तक आपकी मोबाइल नई हो नई कंडीशन में, कभी भी आप चार्जिंग पिन नहीं बदलवाए हो, तो एक बार ऐसा ज़रूर कर लेना। कितनों भी ख़राब हुआ है, कितनों भी दुकानदार कहे या आपको मन कहे नहीं ख़राब हो गया है, लेकिन एक बार ऐसे साफ कर लेना। देखिए जब तक अच्छे तरीके से आपका साफ ना हो जाए, तब तक आप पिटोल लगा के, पिटोल लगाना, पिटोल कोई नुकसान नहीं करता है, मिट्टी के लेको, मिट्टी का लेकर उड़ जाएगा पिटोल आपका मोबाइल का। देखिए अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना, एकदम क्लियर नज़र आने लगेगा। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करना है, बता दीजिए, नहीं तो उल्टा करोगे तो आपका चार्जिंग पिन टूट ही जाएगा। तो आप दुकान पर जाइएगा, लगवाइएगा तब। इसीलिए वीडियो पूरा देख लेना, समझ लेना, तब इसको इस्तेमाल करना, और हिसाब भी हो जाएगा। काफ़ी कस्टमर ऐसे आते हैं, और इस कस्टमर को हमने बताया है कि आपका चार्जिंग पिन साफ़ कर देंगे। देखिए जब तक आपका मोबाइल में चार्जिंग पिन कंपनी का पड़ा रहेगा, तब तक आपकी मोबाइल सेफ रहेगी। आप इसको साफ़ करके क्लियर कर लीजिएगा, चलने लगेगा आपका मोबाइल। देखिए एकदम ये अच्छे से क्लियर हो गया, देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। देखिए अब इसमें एक भी गर्दा इधर उधर नहीं है। अब इसको लगाएंगे, ये चार्ज होगी। देखिए अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, देख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। अब इसको चार्ज करते हैं, चार्ज पे लगाते हैं। देखिए पूरा ये जा रहा कि नहीं जा रहा है, दिखा रहे हैं आपके सामने ही। देखिए ये पूरा एकदम बैठ जा रहा है और चार्ज भी उठा रहा है, देख लीजिए। यही कंडीशन होता है मोबाइल में। अगर मोबाइल की दुकान पर जा रहे हो तो ऐसे देख लेना, समझ लेना, पहले इसको जो बताए हैं इसको फॉलो कर लेना। उसके बाद अगर आपकी मोबाइल नहीं चार्ज कर रही तब जाइएगा, नहीं तो पहले जो बताए हैं यही कर देना। आप अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेना, ये पूरा बैठेगा एकदम, पूरा देखिए एकदम दोनों तरफ से पूरा बैठ गया है। अब सांस नहीं बनाई हो, नहीं तो पूरा फल ही नहीं रहा था। देखिए ये पूरा अब ओके है एकदम, ये चलेगा, ये अब ये पूरा चार्ज भी करेगा। ये आपका ओरिजिनल चार्जिंग पिन है अच्छा मोबाइल, तो ऐसे साफ कर लेना, 100% में 100% आपका सही हो जाएगा। काहे हम मोबाइल बनाते हैं तो हम जान रहे हैं, अगर आपका मोबाइल गिरा पड़ा नहीं हो, पानी में नहीं ना गया हो, तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपका हो रहा है तो साफ़ कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर नहीं साफ़ करोगे तो दुकान पे जाके दुकान से बोल देना दुकानदार से कि काबूत इसमें इस चार्जिंग पिन साफ़ कर दो, उसको 50 रुपये देंगे कि चार्जिंग पिन इसको साफ़ कर दो, तो दुकानदार साफ़ कर देगा अच्छी तरीके से, आपका चार्जिंग होने लगेगा। दुकानदार बोलने का मौका ही नहीं पाएगा, बता रहे हैं। अगर कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो दुकान पर जाइए ऐसे करा लीजिएगा, आपका चार्जिंग पिन सही हो जाएगा 100% में 100% है। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि मोबाइल के विषय में छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहे। अगर चैनल पर नए हो तो उसको फॉलो करके रख लीजिएगा, आज नहीं कल तो काम आएगा ही, छोटी छोटी जानकारी बताते रहेंगे। एक चैनल हमारा भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और मोबाइल की जानकारी लेके, कोई भी जानकारी होगा मिले बताएंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद जय भारत।